बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशाबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार से गोला कबाब बनाने की रेसिपी। तो इस बकरा ईद पे आप इस गोला कबाब को मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा, और ये बहुत ही मज़ेदार से, टेंडर से, जूसी से, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ये गोला कबाब बन के रेडी होते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो सबसे पहले हमने तकरीबन भी 700 ग्राम के करीब, यानी कि हाफ के जी से थोड़ा ऊपर जो है वो हमने बीफ का कीमा ले लिया है। आप चाहें तो मटन का कीमा भी ले सकते हैं यहाँ पे, या चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, उसमें भी बना के रेडी कर सकते हैं। और कीमे को हमने अच्छी तरह से धो के इसका ब्लड जो है वो निकाल लिया, ये देख सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो जो है वो गोश्त का भी कीमा बना के अपने घर में रेडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह का कीमा जो है वो बाज़ार से लेंगे तो इस तरह से जो है ना ये पर्दे की जो बोटी ज़रूर से डालते हैं, तो पर्दे की बोटी में जो है ना थोड़ा सा कबाब बनना जो है मुश्किल करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे बोटियों का भी बना के घर में चॉपर मशीन में कीमा रेडी कर सकते हैं। और अब हम इसे स्टेज फेस में तकरीबन भी 2 टेबल स्पून के करीब हरी मिर्च का जो है वो पेस्ट ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 प्याली के करीब इसमें हम ब्राउन प्याज ऐड कर देंगे, यानी कि फ्राई प्याज ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें हम भुना कुटा जीरा ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, और 1 टेबल स्पून इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो स्क्रीन शॉट भी लेकर रख सकते हैं मसालों का। और अब हम इन तमाम को जो है कीमे में ऐड कर देंगे अच्छी तरह से। और अब हम इसे स्टेज पेस में 1 टेबल स्पून जो है वो चने का पाउडर ऐड कर देंगे, यानी कि चने का आटा ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून इसमें हम कचरी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें हम सौंठ पाउडर ऐड कर देंगे, 2 टेबल स्पून के करीब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। कचरी पाउडर हमने इसलिए ऐड किया है कि जो है वो कीमा जो है अच्छी तरह से टेंडर और जूसी हो जाए, यानी कि अच्छी तरह से गल जाए कबाब बनने के बाद। चाहें तो आप पपीता भी हम इन तमाम को अच्छी तरह से जो है वो चॉपर मशीन में अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। कीमा तो हो चुका है, लेकिन अच्छी तरह से जो है वो मसाला हमारा जो है वो कीमे में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, इसलिए हम इसे चॉपर मशीन में एक दफा। अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। और कॉमेंट सेक्शन में अपने प्रेफरेंसेस ज़रूर से दिया करें, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देख रहे हैं, और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये देखें जी, चॉपर मशीन में जो है वो मसाला कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है कीमे में, देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार सा जो है हमारा बैटर बन के रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार सा, नरम मुलायम सा जो है वो हमारा बैटर बन के रेडी हो चुका है। और अब हम इसके कबाब बना के रेडी कर लेंगे। तकरीबन भी आधा घंटा हमने इसे रेस्ट दे दिया था, रेस्ट देने के बाद हमने इसके कबाब बना के रेडी किए थे, तो आप भी इस तरह से कर लीजिएगा। और अब हम इस तरह से हाथ के ऊपर इस तरह से तेल लगा के, और किसी भी पेंसिल की मदद से, या किसी भी स्ट्रॉ या किसी भी स्टिक की मदद से आप इस तरह से जो है वो शेप दे लीजिएगा गोला कबाब की। ये देखें जी इस तरह से, उसके बाद इसे हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी कितनी अच्छी तरह से जो है हमारे कबाब बन के रेडी हो रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से घर में किसी भी तरह की जो आपको स्टिक अवेलेबल हो तो आप उसकी मदद से जो है गोला कबाब की शेप बना के रेडी कर लीजिएगा इस तरह से। किसी भी तरह की आपके पास स्टिक हो या स्ट्रॉ वगैरह अवेलेबल हो तो बना के रेडी कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पेंसिल से जो है वो इसलिए बना के रेडी किए हैं क्योंकि पेंसिल की जो शेप होती है वो गोला कबाब की बिल्कुल परफेक्ट जो है वो शेप बन के निकालती है, यानी कि गोला कबाब जो है वो परफेक्ट बन के रेडी होते हैं। तमाम कबाब को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तेल को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, और गर्म तेल के अंदर हम इस तरह से जो है वो कबाब ऐड कर देंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छी तरह से इसे पका लेंगे कबाब को। और हम जब कीमे के कबाब बना के रेडी करते हैं तो कीमे के कबाब को अच्छी तरह से फ्राई कर दें, ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से अंदर से भी कुक हो जाए। तो बाहर से ऐसा लगता है कि ये जल गए हैं या फिर ज़्यादा कुक हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कीमे के कबाब वगैरह किसी भी तरह के आप बना के रेडी करें तो उससे हम अच्छी तरह से कुक करते हैं, यानी कि अंदर से अच्छी तरह से कीमा जो है वो गल जाए, यानी कि अच्छी तरह से कुक हो जाए कबाब, अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। और ये देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार से, कितने जूसी से जो है वो हमारे कबाब बन के रेडी हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये कबाब की शेप्स। तो अगर आप बकरा ईद पे इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। तो ये देखें जी, एक वेज हमारा रेडी हो चुका है, और अब हम इसी तरह तमाम बना के रेडी कर लेंगे कबाब।
तमाम कबाब अच्छे से फ्राई करने के बाद कबाब के अंदर इस तरह से हम कोयले का स्मोक दे लेंगे। इस तरह से जो है बारबेक्यू सा एक मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा कबाब्स में हमारे, तो आप भी इसी तरह से ट्राई कर लीजिएगा मेरी रेसिपी से। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर रेडी होती है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और सच में यकीन करें बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस से, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल से जो है कबाब बनकर रेडी हुए हैं। तो बकरा ईद पर आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये देखें जी अंदर से कितनी अच्छी तरह से जो है वो सॉफ्ट और कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, देख सकते हैं आप मज़ेदार से फ्लेवरफुल से, और देखें जी कितने सॉफ्ट से और अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं अंदर से भी, और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल से और बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस से ये कबाब बनकर रेडी हुए थे गोला कबाब। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।